रखना है वो साजिश से हाथ दूर रहे। और छत्तीस क्रांति के लोगों ने जो भाई को बंदा का काम किया था सबने पता है। मैं ज्यादा समय नहीं देता हुआ भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चाहिए धन्यवाद। यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण हुड्डा जी, भाई प्रदीप शर्मा जी और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, दूसरे का तौर बहनों, देखो मैं खास तौर पे एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, तुमने अपना राज बनाना है तो राज कैसे बनेगा? एमएलए बनाओगे ना? एमएलए जीता के भेजोगे जो भी तो राज बनेगा। देखिए 2005 में आपका राज बना था उसके लिए कितने साल संघर्ष करना पड़ा था। 2014 में बीजेपी की सरकार बनेगी तुमने तो फिर भी यहां से ठीक रहे। और आजकल मैं क्या है नारायणगढ़ से, नारायणगढ़, लाडवाड़, रादौर, पेवा, थानेश्वर सब जगह रुका है। मैं बता रहा हूँ हवा पलट गई है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है। तो आप अपनी सरकार बनाओगे भाई तो अब फिर मौका है, एक एमएलए से सरकार बन भी जाए रह भी जाए तो ऐसा मौका नहीं चुक रहा। आपने पड़ोस का हल्का मेरा घर है, घर से मेरे को पूरी मजबूती मिलनी चाहिए। और बनते जो पहले करा वो जो पहले कहा वो किया, पहले जो मैंने क्या वो करे ना जो बिल माफ हो जो, आज भी कहकर जा रहा हूँ सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से तो पहला काम मैं करूंगा इस प्रदेश के किसान का और गरीब आदमी का कर्जा माफ करूंगा। बिजली का जो तमाशा है इन्हें तो बिजली गुल कर रखी है बिल्कुल, हम बिजली फुल देंगे और बिजली का रेट आधा, ठीक है। और भाई बुजुर्ग हमारे उनकी पेंशन जो ये तमाशा है तेरह 200 बढ़ाए वो नहीं करेंगे, बूढ़े के भी 5100 और बुढ़िया के भी 5100 करेंगे। और जो शेड्यूल कास्ट है जो दलित है उनके बच्चों का वजीफा पहली से 10वीं तक जो है वो 12000 रुपए साल का और 10वीं से 12वीं तक 15000 रुपए साल का देंगे, नौकरी देंगे, विकास कराएंगे और जो रेल का कारखाना हमारा रहेगा वो उल्टा लेकर आएंगे। और ये जो तमाशा कर रखे ना मोटरसाइकिल 15000 की, जरबाना 25000 चलान, और ट्रैक्टर 60000 का, चलान 1,00,000 का, ये तमाशा नहीं होने देंगे, ये कानून खत्म करेंगे। खैर कहने का सिर्फ है कि मतलब है भाई सब समझदार हो आप सारी बात समझते हो, मैं तो एक बात कहने आया हूँ जो छत्तीस बरादरी अपनी वोट डाल के श्री कृष्ण हुड्डा को यहाँ से एमएलए बनाओगे तो जो वोट डालोगे समझ लियो हर वोट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डाल रहे हो उसको समझ गया। अब तो राज बनाने के लिए बोलो मंजूर है जिताकर भेजोगे आप खड़े बताओ निश्चित हो बात।